क्षेत्र नहीं, अपितु यहाँ पर जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि अभाव में पढ़ने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, कौन कहता है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में अपने भविष्य को संवारने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता, कौन कहता है कि पर्वतीय आंचलों से आने वाला बच्चा इस देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता, और कौन कहता है कि इस राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकता। नाम है बेटा आपका? सर नीरज कुमार। नीरज के लिए एक बार जोरदार था। सर सरकारी दुकान में की भेजते हैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दारू जो सब है, सर सरकारी दुकान में नहीं भेजते। सरकार ने कंपनी बंद करनी चाहिए, धूम्रपान की सिगरेट दारू बीड़ी जो सब बने ना सर वो बंद करना चाहिए, दुकानों में कहीं आने नहीं चाहिए, किसी राज्य में किसी जिले में किसी ब्लॉक में पहुंचना ही नहीं चाहिए दारू सिगरेट बीड़ी तम्बाकू जो बोल रहे हो आप सब। मेरा विषय ये है कि कोई बदले न बदले हम क्यों नहीं बदल सकते। बहुत अच्छे विचार हमारे भैया ने रखे। अगर इस विषय में जाऊंगा तो एक दिन लग जाएंगे, सरकारों की बात करूंगा प्रशासन की बात करूंगा तो शायद ये मुहिम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए आपसे केवल इतना कहूंगा कि जिस दिन आपने प्रयत्न कर लिया, जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि हम नहीं करेंगे, उस दिन ये दुकानें तो छोड़ो ये लोग बदल जाएंगे। जो आज ये नशे के व्यापार को करते हैं वही घी दूध का व्यापार करने लग जाएंगे, लेकिन वो बदलेंगे तब हम बदलेंगे की धारणा अगर आप रखोगे तो फिर ये राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा और ना हम व्यसन मुक्त रह पाएंगे। कोई दुकान चलाए ना चलाए लेकिन नीरज जैसे भैयाओं को संकल्प लेना होगा कि कोई बदले ना बदले हम बदलेंगे। आपने कभी नशा किया? नहीं सर। कभी किसी दोस्त ने कहा कि कुछ कर लो? कभी नहीं सर, आज तक नहीं किया। कभी करोगे भविष्य में? कभी नहीं। आप नहीं करोगे? कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन। आप बड़े हो छोटे हो? बीच में। बीच वाले सबसे बड़े कौन है? सर भैया। भैया है, वेरी गुड। एक बार हमारे नीरज के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। कोई करे न करे, आपने आपके भैया ने आपके परिवार से कोई ना करे बेटा, क्योंकि समाज का निर्माण ही परिवार है। इसलिए दूसरों को उंगली दिखाने से पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए, समाज अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, वो दुकानें भी अपने आप बंद हो जाएंगी। थैंक यू।